नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीरम टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स है, तो मैं अगले दो सीरीज़ में, दो पार्ट का सीरीज़ है, पहला पार्ट आज है, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीक आएगा, इसमें हम बात करेंगे सीरम टेस्टोस्टेरोन के बारे में कम्प्लीट जानकारी। हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कहाँ बनता है, उसकी बॉडी में क्या क्या यूजेज है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कैसे डिस्ट्रॉय होता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो आपको क्या क्या सिम्टम्स बन सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन की जांच कैसे की जाती है, टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन में फ़र्क कैसे होता है, अपने टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट को कैसे परखें, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन अगर कम है या टेस्टोस्टेरोन से कमी से होने वाले कोई सिम्टम्स है तो टेस्टोस्टेरोन को ठीक करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं, टेस्टोस्टेरोन को कैसे कैसे ले सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कवर करेगा टेस्टोस्टेरोन क्या है से लेकर टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग तक। तो पहले हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो टेस्टो मतलब टेस्टीज या मर्दों के अंदर अंडकोश, और स्टेरोन मतलब स्टेरॉइड। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक स्टेरॉइड है जो बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली बॉडी को टेस्टोस्टेरोन के लिए बाहर से डाइट से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नॉर्मली हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो डाइट में लेते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देती है। बॉडी में बेसिकली दो अंग है जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये दो अंग में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाता है टेस्टीज या मर्दों के अंडकोश, जहाँ 90-95% टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, और 5% टेस्टोस्टेरोन बनाता है एड्रिनल। एड्रिनल बेसिकली दो ग्लैंड है जो हमारे गुर्दे के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, इनको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, और सुपरा रीनल ग्लैंड शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी एक कॉमन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन लेडीज़ के अंदर भी बनता है, और लेडीज़ में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो एड्रिनल ग्लैंड से होती है। कुछ ऑर्गन्स हैं जो बचपन में माँ के पेट में टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। यूजली माँ के पेट में जो फीटस है, जो बच्चा है, अगर वो मर्द बनता है या लड़का बनता है, तो उसकी बॉडी अपने आप टेस्टोस्टेरोन बनाती है, पर कुछ टेस्टोस्टेरोन माँ के पेट में भी बनता है जो बच्चे की डेवलपमेंट में ज़रूरी है। टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये टेस्टोस्टेरोन फिर ब्लड में निकलता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। ये टेस्टोस्टेरोन दो तरीके से सर्कुलेट होता है। इसमें कुछ मात्रा, सिर्फ 1-2%, जो अगर सपोज पूरे शरीर में पूरे दिन में 100% टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो उसमें सिर्फ 2% ही टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होता है, जिसको फ्री टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो शरीर में घूमता है और अपनी अपनी जगहों पर जाके अपने एक्शन दिखाता है। बाकी सारा टेस्टोस्टेरोन किसी ना किसी प्रोटीन मतलब एल्बुमिन या सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये दो प्रोटीन होते हैं, इसके साथ बाइंड हो जाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव नहीं काम करता। जो एल्बुमिन से बाउंड टेस्टोस्टेरोन है या एल्बुमिन की जकड़ में टेस्टोस्टेरोन है, उसकी जकड़ बहुत ढीली होती है, और इस कारण से अगर सपोज फ्री टेस्टोस्टेरोन कम पड़ जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन भी आदमी में काम कर सकता है। पर जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जकड़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन है, ये बाउंड होता है और ये किसी काम का नहीं होता। ये बॉडी लिवर में जाके इस टेस्टोस्टेरोन को ब्रेक करके इसको एक्सक्रीट कर देती है। तो टोटल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का सिर्फ 1-2% टेस्टोस्टेरोन ही शरीर में काम आता है। टेस्टोस्टेरोन अपने अंगों में जाके अपना काम करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन एक्टिव फॉर्म नहीं होता। जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस बनाता है, ये टेस्टोस्टेरोन को बॉडी को ब्रेक करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। समझे तो कि जैसे गेहूं है, गेहूं को आप डायरेक्टली नहीं खा सकते, गेहूं को पीस के आटा बनाना पड़ता है और उस आटे से फिर रोटी बनती है। उसी तरह टेस्टोस्टेरोन जाके शरीर में ब्रेक डाउन होता है एंड्रोस्टिनोडायोन में या DHT में, और ये जो पावरफुल टेस्टोस्टेरोन के जो डाइमर्स है, ये जाके फिर शरीर के अंदर एक्शन दिखाते हैं। शरीर में दो ऑर्गन्स है जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है, एक है मसल्स या मांसपेशियाँ, और दूसरा है टेस्टिस के अंदर जहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन अपने ही रूप में काम करता है। पर अदरवाइज बाकी ऑर्गन्स में, जैसे पेनिस है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसाइकल्स है, सीमन प्रोडक्शन है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का आटा वह टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेशन फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा है और उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन जाकर फैट में, बॉडी के फैट में ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है।
ईस्ट्रोजन मानी कि फीमेल हार्मोन, तो इसलिए कई बार अगर बॉडी बिल्डर्स टेस्टोस्टेरोन बाहर से लगा रहे हैं या ज़रूरत से सारा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो वो सारा टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में बन के दिक्कत करता है, जैसे चूचिया निकल जाना, पेट निकल जाना, स्तन से दूध का रसना और फीमेल जैसे चेंजेस आना, तो टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए। अब टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन है और ये मर्दाना हार्मोन शरीर के अंदर बहुत सारे फायदे करता है। ये आदमी को मर्द बनाता है, उसके बाल की प्रोडक्शन, उसके छाती के बाल, गोलियों की डेवलपमेंट, स्पर्म प्रोडक्शन, पेनिस की लंबाई, पेनिस के अंदर तरावट या तनाव, सेक्सुअल इंटरेस्ट, लिबिडो, डिज़ायर, मसल की ग्रोथ, शरीर में हड्डियों की ग्रोथ, इन सब में टेस्टोस्टेरोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है या टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा रोल है। कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आदमी को आदमी बनाता है, तो अगर टेस्टोस्टेरोन जो है वो ब्रेन में आदमी को खुश, हमारे अंदर लिबिडो, सेक्स की इच्छा, एक हसपून या मेंटली साउंड या फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को, तो टेस्टोस्टेरोन काफ़ी आदमी को खुश रखता है। ऑल्सो जो आदमी का एग्रेशन है, जो आदमी की मोटिवेशन है, काम करने की इच्छा है, परिवार को संभालने की इच्छा है, ये भी टेस्टोस्टेरोन से ही आती है। अगर टेस्टोस्टेरोन की शरीर में कमी हो जाए तो इन्हीं सब चीज़ों में आदमी को फ़र्क लगना चालू होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से आदमी को मेंटल चेंजेस जैसे उदासी आना, काम करने का मन ना करना, लिबिडो चले जाना, सेक्स की इच्छा खत्म हो जाना, ये सब सिम्टम आ सकते हैं। लिंग में तनाव आना, इरेक्शन ना होना, लिंग में छोटापन आना, लिंग के अंदर पूरी तरह से जो साइज है या जो वेन्स निकलती है वो ना निकलना सिम्टम आ सकते हैं। मरीज के अंदर बाल जा सकते हैं, टेस्टिस का साइज छोटा हो सकता है, मसल्स जा सकते हैं, तो जो मर्द है वो जनाना रूप लेना चालू कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन शरीर में कम क्यों होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के शरीर में कम होने के कई कारण हैं जिसके बारे में हम पार्ट टू में बात करेंगे, पर मोटे मोटे रूप से कोई बीमारी है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डाइट ठीक नहीं है, उम्र बढ़ रही है, गोलियों में कोई चोट लगी हो, कोई बाहर से हार्मोन मिले हो, कोई बाहर से दवाइयाँ लगी हो, कोई स्टेरॉइड चले हो, इन सब कारणों से टेस्टोस्टेरोन की कमी शरीर में आ सकती है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी शरीर में आई है और टेस्टोस्टेरोन की कमी आने से चेंजेस है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ट्रीटमेंट भी कई तरीकों से होता है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर आज मैं आपसे बात करूंगा कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नापा कैसे जाता है। तो कई बार आपको आपके डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन की नाप या टेस्टोस्टेरोन का ब्लड टेस्ट करने को बोलते हैं। पहली बात तो समझनी ज़रूरी ये है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स शरीर के अंदर बार बार चेंज होते हैं। तो एक तो इसको बोलते हैं वेरिएशन, ये वेरिएशन डायर्नल भी होता है, सीजनल भी होता है, ईयरली भी होता है, मतलब मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्टेबल नहीं रहता, बढ़ता कम होता रहता है। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे हाई सुबह जब आदमी उठता है सोके उस टाइम होता है, तो यूजुअली कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को अर्ली मॉर्निंग खाली पेट नपाया जाए तो बेस्ट रिपोर्ट आती है। पर ऐसा भी पॉसिबल है कि सुबह की रिपोर्ट फर्जी हो सकती है, कि सुबह का टेस्टोस्टेरोन आपका नॉर्मल रेंज में आए, 300-350 आ जाए, और रात को नापते नापते टेस्टोस्टेरोन का लेवल हो सकता है घट के 200-180 हो जाए। इस कारण से कई बार अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत मार्जिनल है तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन दिन भर में आपके नॉर्मल लेवल से भी कम जा रहा हो। सिर्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन नापने से कई बार हमें आइडिया नहीं मिलता। टोटल टेस्टोस्टेरोन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब टोटल टेस्टोस्टेरोन अगर सपोज 500 या 600 की रेंज में है तो हमें पता है कि नॉर्मल है, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी नॉर्मल रहेंगे। अगर मरीज को टेस्टोस्टेरोन की कमी के सिम्टम नहीं है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल मिडल रेंज में है तो हम नॉर्मली फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं नपवाते, क्योंकि खर्चा हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। पर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो पे है या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई पे है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल होने के बावजूद भी मरीज के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी के सिम्टम्स है, तो उस केस में हम फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन की नपाई करवाते हैं, देखने के लिए कि ये तो नहीं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो नॉर्मल है पर जो काम वाला है फ्री टेस्टोस्टेरोन है, जो हमें ज़रूरत है, उसके लेवल बहुत कम ना हो। तो टेस्टोस्टेरोन जो नापते हैं वो एक ब्लड टेस्ट है, नॉर्मली इसको सुबह नपवाया जाता है। इसके दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल जिसमें पूरे टेस्टोस्टेरोन को नापते हैं और एक होता है फ्री जिसमें सिर्फ उस वाले पोर्शन को नापते हैं जो एल्ब्यूमिन से बंधा है या जो फ्रीली अवेलेबल है। इसकी रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़रूरी है चार चीज़ें। पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि जिस लैब में टेस्टोस्टेरोन किया गया है उस लैब के अंदर नॉर्मल वैल्यू क्या है। हो सकता है कि उस लैब के टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 270 हो और
आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपको डॉक्टर बोल रहा है कम है, वो उस नॉर्मल रेंज के अंदर भी आता हो। जो AUA है वो कहता है कि अगर 300 से कम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है तो वो लो है, पर नॉर्मल वैल्यू रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी है चेक करना कि टेस्टोस्टेरोन अगर रिपोर्ट लो है तो क्या मरीज को लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स और लो टेस्टोस्टेरोन के साइंस है भी या नहीं। अगर हो सकता है कि मरीज बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हो और टेस्टोस्टेरोन लो हो तो टेस्टोस्टेरोन की जांच को रिपीट करना भी ज़रूरी है। एक सिंगल टेस्ट से कभी भी पूरी कंफर्मेशन नहीं मिलती है। टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट्स नॉर्मली अगर हम किसी आदमी में कम है और रिपीट कराए तो हो सकता है नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो एक या दो रिपोर्ट कराना एक अच्छा डिसीजन होता है कंफर्म करने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो आज हमने बात करी मोटे मोटे तौर पे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे बनता है, कहाँ ख़त्म होता है, बॉडी में क्या यूजेस है, कमी के क्या साइन सिम्टम्स है और टेस्टोस्टेरोन की टेस्ट कैसे होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के साइन सिम्टम्स के बारे में और डिटेल में, टेस्टोस्टेरोन की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में और डिटेल में, टेस्टोस्टेरोन और मर्दाना कमजोरी और मेल डिसफंक्शन के बारे में। एक्यूरेट साइंटिफिक नॉलेज के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस और अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।